हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 5 तक का कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो लेट्स स्टार्ट। अ नंबर व्हेन एडेड टू इट्स 1/3, ओके 1/3 इक्वल 52, फाइंड द नंबर। अब देखिए यहाँ पर फाइंड द नंबर है, तो हम हमेशा फाइंड द नंबर को एक्स मान लेते हैं। तो ये नंबर यानी कि एक्स व्हेन एडिट, उसमें हमें कुछ ऐड करना है, और क्या ऐड करना है, 1/3 को, उसी का 1/3 यानी एक्स का ही 1/3 ऐड करने पर हमें मिलेगा 52। देखिए ये क्वेश्चन में हमें सबसे पहले हमने मान लिया लेट द नंबर एक्स, ओके, अब उसका 1/3, ठीक है, उसी नंबर का 1/3 कितना है, 1/3 x। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए अ नंबर ओके एक्स, ओके व्हेन एडिट मतलब प्लस टू इट्स 1/3 उसी नंबर का 1/3 इक्वल 52, ओके तो ये हमने बन गई इक्वेशन, हमने बना लिया इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसके अपॉन में 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3। देखिए 3 आया है। अब ये जो नीचे है इससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हम 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन यहां पर 1 है तो 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस, अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1x। जनरली हम 1 को लिखते नहीं है, ठीक है, ये 1 को x के सामने नहीं लिखा जाता है, ओके, तो हम सिर्फ समझाने के लिए यहां पे लिख रहे हैं, आपको सिर्फ x लिखना है 52। अब देखिए 3x और 1x मिलके कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 4x/3 इज इक्वल टू 52 और 4x इज इक्वल टू 52। अब ये अपॉन में 3 है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, और x इज इक्वल टू 52 इंटू 3 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू, देखिए 4 × 1 = 4, 1 और 1 रहा तो ये हो जाएगा 12, 12 का हो जाएगा हमारा 13, ओके, तो 13 मल्टीप्लिकेशन 3, x इज इक्वल टू 13 × 3 = 39, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 3, और यही इसका आंसर है, ठीक है। हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 3 एग्जिस्ट इटसेल्फ बाय 40, फाइंड द नंबर। अब नंबर फाइंड करना है, ये नंबर फाइंड करना है, ठीक है, तो हम इसको समझते हैं पहले, फाइंड द नंबर, नंबर, अब नंबर हम लेट द नंबर, हमने हमेशा x लिया है तो x ले लेंगे और उसी नंबर का मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3x, ओके, मल्टीप्लाई उसी नंबर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखिए एक्सिट मतलब बढ़ाना है, हमें उस नंबर को बढ़ाना है, किससे, ये जो नंबर x लिया है उसको हमें इटसेल्फ बाय 40 से बढ़ाना है, ठीक है, उसमें हमें एडिशन करना है। तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी वो हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लेट द नंबर इज x, थ्री टाइम्स ऑफ x कितना हो जाएगा, 3x। अब क्या बोला है, 3x इक्वल, उस x से हमें क्या करना है, 40 इंक्रीज करना है यानी कि बढ़ाना है, ठीक है। एग्जिस्ट का मतलब होता है, एग्जिस्ट का मतलब होता है कि उसमें हमें 40 इंक्रीज करना है यानी बढ़ाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, 3x, और ये जो है ये माइनस यहां पर x आ जाएगा और ये हो जाएगा 40, 3 में से 2 मतलब 3 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 40, और x इज इक्वल टू 40/2, ये अपॉन में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।